हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10th, विच इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक हमने क्लास 10th के फिजिक्स से रिलेटेड जो बाकी तीन चैप्टर्स हैं वो पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जैसे जैसे वायर में फ्लो होगा, उस करंट के कारण उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है किसी वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैग्नेट की कुछ बेसिक बातें, दैट इज मैग्नेट हैज टू पोल्स। कितने पोल्स होते हैं मैग्नेट के? टू पोल्स होते हैं, वन इज नॉर्थ पोल एंड अनादर इज साउथ पोल। अब हमें पता होना चाहिए कि जो लाइक पोल्स हैं, लाइक पोल्स मीन्स दोनों पोल्स क्या हो मैग्नेट के, या तो नॉर्थ नॉर्थ हो या फिर दोनों साउथ साउथ पोल हो, ये होते हैं लाइक पोल्स। जब इन दो लाइक पोल्स को पास में लाया जाए तो ये एक दूसरे से दूर जाते हैं। मीन्स लाइक पोल्स रिपेल इच अदर, एक दूसरे से दूर जाते हैं। रिपेल होना मीन्स दूर जाना। वेयर इज अनलाइक पोल्स, अनलाइक मीन्स एक नॉर्थ और एक साउथ, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर। जब दो अनलाइक पोल्स को विच इज नॉर्थ एंड साउथ इनको पास में लाया जाएगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये होगी दो बेसिक बातें जो आपको मैग्नेट से रिलेटेड पता होना चाहिए। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड पर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के अराउंड एक रीजन होता है जहां पर उस मैग्नेट का फोर्स जो है वो किसी पर एक्सपीरियंस किया जा सके, या फिर किसी अदर ऑब्जेक्ट पर उसका फोर्स एग्जर्ट किया जा सके। मीन्स ये आपने बार मैग्नेट ले लिया, ये सपोज उसकी कोई फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप कोई आयरन नेल को यहां पर लेकर आओगे तो आप देखोगे ये इससे क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। लेकिन वही अगर ये आयरन नेल यहां पर बहुत कहीं दूर रखी है तो क्या है वो अट्रैक्ट हो पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है मैग्नेट, इसकी एक पर्टिकुलर फील्ड होती है जहां पर ये किसी अनादर ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा सकता है। सो वो जो फोर्स जहां तक एक्सपीरियंस हो सके, दैट रीजन इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स विच शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। किसी भी मैग्नेट के अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट होता है। जैसे अभी मैंने बताया था कि ये जो बार मैग्नेट है इस आयरन नेल पर क्या कर रहा है, फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। किस टाइप का फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस वजह से ये जो आयरन नेल है ये इसके पास चली गई है। सो ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा यहाँ पर कहीं पर भी, इसकी एक पर्टिकुलर क्या होगी, डायरेक्शन होगी। वो डायरेक्शन शो करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये एक तरह से इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करती है, जस्ट हमने डायरेक्शन शो करने के लिए इन्हें नाम दे दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये एक बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा स्टार्ट होती है फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड होती है टू द साउथ पोल। मीन्स ये जो रहेगी इसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, इस टाइप से, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, इस तरीके से ये ट्रैवल करती है। ठीक है, सो कहाँ से इमर्ज होती है, दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, एंड कहाँ पर एंड होती है, एंड एट साउथ पोल। इस पर बेस्ड आपको एक MCQ टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उनकी डायरेक्शन क्या होती है। सो आपको आंसर करना है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। वहीं अगर आपसे पूछा जाए इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है,
तो उस केस में आपको बताना है फ्रॉम द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, एक तरह से लूप फॉर्म कर रहे हैं आप देख सकते हैं। वहां से स्टार्ट होती है नॉर्थ से स्टार्ट होकर एंड होती है साउथ पे, और इनसाइड द मैग्नेट ये इसी तरीके से ट्रैवल करती है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो आउटर साइड में क्या होगा डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट क्या होगी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, लेकिन इस बात को प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि ये जो फील्ड लाइन्स है ये एक इस तरीके से सर्कुलर पैटर्न बनाती है। सो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स मीन्स कि जो आयरन के पीसेस होते हैं ना वो बहुत ही फाइन पाउडर के रूप में ले लिया और उसे क्या करा इस मैग्नेट के अराउंड ऐसे डस्ट कर दिया। इसमें क्या किया कि एक पेपर लिया, उस पेपर पे क्या रखा मैग्नेट प्लेस किया, एक बार मैग्नेट रखा और उस बार मैग्नेट के अराउंड क्या कर दिया आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कर दिया, स्प्रिंकल कर दिया, और फिर क्या करा उस पेपर को ऐसे टैप किया। टैप करने के बाद क्या देखा कि ये जो फाइन पाउडर है इसने अपने आप को एक पैटर्न में एडजस्ट कर लिया है, मीन्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में इनने अपने आप को अरेंज कर लिया है। और वो पैटर्न किस तरीके से देखा गया, इस तरीके से। टैप करने के बाद ये जो आयरन फिलिंग्स है इन्होंने अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर लिया और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही इनको नाम दे दिया गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। और इसके शेप से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये कैसा फॉर्म करती है, एक सर्कुलर लूप फॉर्म कर रही है। ये देखिए एक सर्कुलर लूप फॉर्म कर रही है और इसके डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है। इस बात को चेक करने के लिए क्या किया, एक कंपास लिया। कंपास आप सभी ने देखा होगा, कंपास में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है और बीच में क्या होती है निडल होती है। ठीक है, ये जो निडल है ये भी किसकी होती है, मैग्नेट की बनी होती है। इस कंपास को जब इस मैग्नेट के पास रखा तो देखा कि ये किस तरीके की डायरेक्शन शो कर रहा है, इस तरीके की, मीन्स कि ये जो साउथ पोल है ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है और नॉर्थ क्या है अपोजिट, मीन्स डायरेक्शन क्या है इस तरीके की। वहीं थोड़ा और दूर ले गए, डायरेक्शन कुछ ऐसी शो हुई, फिर और थोड़ा ले गए तो इस तरीके से। यहाँ पर जब आए तब देखा कि नॉर्थ पोल यहाँ और साउथ यहाँ, मीन्स जो नॉर्थ है वो किससे अट्रैक्ट हो रहा है साउथ से। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन कैसी जा रही है, इस तरीके से। सो इस साइड देखा गया तो इस तरीके की कुछ डायरेक्शन शो हो रही है। तो इससे पता लगा कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो इमर्ज होती है फ्रॉम द नॉर्थ पोल और एंड होती है साउथ पोल पे। ठीक है, और एक तरह का ये सर्कुलर लूप फॉर्म करती है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मीन्स अभी जो हमने पढ़ा उन्हीं को क्या कहते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज कहते हैं। सो फर्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल्स। यही हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। कहाँ से स्टार्ट होती है, नॉर्थ, और कहाँ पर एंड होती है, साउथ पे। सेकेंड इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कम क्लोजर टू वन अनादर नियर द पोल्स ऑफ मैग्नेट। ये जो पोल्स है, एक ये है और एक ये है, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है वो बहुत ज़्यादा क्या रहती है, पास पास रहती है, और कह सकते हैं हम कि ये क्राउडेड रहती है नियर द पोल्स। लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे सबसे कम कहाँ पर होती है, इस पोर्शन पर। जैसे जैसे हम पोल से दूर जाएंगे तो वैसे वैसे ये भी क्या होगी, सेपरेटेड होगी, इस तरीके से दूर दूर जाती जाएगी, लेकिन पोल्स पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा पास होगी। थर्ड इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो फील्ड लाइन्स बन रही है, ये जो लाइन्स है ये कभी भी एक दूसरे को
इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या शो करती है, डायरेक्शन शो करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और हम जानते हैं कि जो भी फोर्स है उसकी कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई भी दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इस अनादर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने इंटरसेक्ट कर दिया तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, दो डायरेक्शन शो होगी, एक तो ये टेंजेंशियली और दूसरी ये। और किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो फोर्स के डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से कहा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है तीनों, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम हमारे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।